हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा. और हम समझ रहे थे कि कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम क्या है, कंप्यूटर में मेमोरी हायरार्की क्या है. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि सिम क्या है और डिम क्या है. और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इग्नू के कंप्यूटर साइंस में सिम और डिम के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्यूटर के मेमोरी का पूरा डायग्राम है. तो इग्नू के कंप्यूटर साइंस में कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी का पूरा डायग्राम जो है बना करके आप उसके इच कंपोनेंट को एक्सप्लेन करें. तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के मेमोरी की क्या हायरार्की है. और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड से हम समझेंगे कि सिम क्या है और डिम क्या है. तो यहाँ पे जो है अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. तो एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. तो जो प्राइमरी मेमोरी है ये दो होती है, एक को कैशे मेमोरी बोलते हैं और दूसरे को मेन मेमोरी बोलते हैं. अब मेन मेमोरी आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक को रैम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरे को रोम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी. रैम के दो पार्ट हो जाते हैं, एक को एस रैम बोलते हैं और दूसरे को डी रैम बोलते हैं. एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम जो है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम. तो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में रैम को पूरा कंप्लीट किया हुआ है. और जो है रैम के अंदर एस रैम डी रैम ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है. रोम को मैंने कंप्लीट किया हुआ है, रोम में पी रोम ई पी रोम ई पी रोम क्या है ये पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ है. और जो है कैशे मेमोरी, तीसरी जो मेमोरी है यहाँ पे कैशे मेमोरी, इसको मैंने जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया था. तो कैशे मेमोरी, रैम और रोम इन तीनों के रिगार्डिंग जो है मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को आप देख करके जो है इग्नू के कंप्यूटर साइंस में जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं. तो सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो है ये चार पार्ट में डिवाइडेड है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी. मैग्नेटिक डिस्क जो है ये दो होती है, एक को HDD बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरे को FDD बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. ऑप्टिकल डिस्क जो है ये CD होती है, DVD होती है, BRD होती है, HVD होती है. और फ्लैश मेमोरी जो है ये दो होती है, एक मेमोरी कार्ड और दूसरा जो है पेन ड्राइव होता है. तो जो है बाकी ये सारे जो है सेकेंडरी मेमोरी वगैरह क्या होती है तो आगे के वीडियोस में हम कवर करेंगे. तो ये जो है आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर की मेमोरी की हायरार्की है. और इसके डायग्राम्स वगैरह अगर बनाने के लिए कहता है इग्नू के कंप्यूटर साइंस में तो आप इसी तरीके से डायग्राम को बना करके एक एक कंपोनेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे. तो चलिए अब समझते हैं कि सिम क्या है और डिम क्या है. तो सिम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है फिजिकल स्ट्रक्चर है और डिम जो है सिम का एडवांस वर्जन है. तो चलिए समझते हैं कि सिम और डिम क्या है. तो सिम एंड डिम, सिम और डिम क्या है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे कि सिम क्या है और फिर डिम क्या है. तो जो आपका सिम है, सिम एंड डिम आर द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रैम. तो जो सिम है आपका और जो डिम है
ये रैम का फिजिकल स्ट्रक्चर है। और रैम कौन कौन सी होती है? एस रैम, डी रैम, डीडीआर का रैम, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये एडवांस वर्जन है। मतलब पहले एस रैम था, फिर डी रैम आया, फिर DDR, DDR1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जो है ये रैम का जो है एडवांस वर्जन है DDR3, DDR4। तो सिम और डिम जो है इसी रैम का फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि रैम के अंदर का जो पूरा का पूरा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है कि रैम कैसे वर्क करेगा, कितना डेटा जो है, कितने बिट का डेटा जो है स्टोर करेगा, कितने बिट का डेटा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो है रिलीज करेगा जब CPU रैम से डेटा को फेच करेगा। तो बेसिकली सिम और डिम क्या है, ये रैम का फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि सिम का क्या मतलब है। तो SIMM सिम, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सिम इज एन एब्रिविएशन ऑफ सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो सिम की जो फुल फॉर्म होती है, सिम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। दूसरा है कि द पिंस इन दिस मेमोरी मॉड्यूल वर्क कलेक्टिवली। तो वो रैम जिस रैम का फिजिकल स्ट्रक्चर सिम वाले मेथड से बना है, मतलब सिम का फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो उस वाले रैम में जो पिंस होती है वो सारे पिंस जो है एक साथ मिल करके काम करती है किसी भी डेटा को रैम में स्टोर करने के लिए, या रैम से डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास जो है रैम का, सिम वाले रैम का जो है डायोग्राम है। तो यहाँ पे ये पिन है, 1, 2, 3, 4, ये सारी पिन्स है। तो ये रैम जब डेटा को स्टोर करती है अपने अंदर, तो डेटा को स्टोर करने के लिए ये सारे पिन्स जो है एक साथ मिल करके कलेक्टिवली वर्क करते हैं, अपने अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और अपने अंदर से डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक रिलीज करने का काम करते हैं। तो ये सारे पिंस कलेक्टिवली वर्क करते हैं। अब सिम का थर्ड पॉइंट देखते हैं। सिम मेमोरी मॉड्यूल सपोर्ट्स ए 32-बिट चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। तो सिम का जो स्ट्रक्चर है रैम के अंदर वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कि अगर डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हो, दैट मींस कि कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन रैम में आप स्टोर कर रहे हो, रैम में स्टोर हो रहा है, या रैम से डेटा सीपीयू तक जा रहा है, तो सिम जो है वो 32-बिट डेटा को जो है ट्रांसमिट कर सकता है। 32-बिट चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा, 32-बिट डेटा को जो ये ट्रांसमिट करेगा। इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट जो है वो है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कंज्यूम्स 5 वोल्ट्स ऑफ पावर। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है ये सिम वाला जो स्ट्रक्चर है रैम के अंदर, तो ये 5 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ये कंज्यूम करता है। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, एज कंपेयर टू डिम, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिम को समझेंगे कि डिम क्या है। तो अगर सिम को डिम के साथ कंपेयर करें तो इट्स परफॉर्मेंस इज स्लोअर। तो सिम जो है डिम के कंपैरिजन में, डिम की तुलना में ये स्लो होता है,
इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है। नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट जो है, दिस मेमोरी मॉड्यूल इज यूज्ड बाय बोथ 486 सीपीयू एंड अर्ली पेंटियम कंप्यूटर्स। तो सिम वाले स्ट्रक्चर, वो रैम जिसमें सिम का स्ट्रक्चर होता था, तो ऐसे रैम को जो सिस्टम सपोर्ट करता था वो है 486 सीपीयू। ये पुराना सिस्टम है, या फिर अर्ली पेंटियम का जो कंप्यूटर्स है वही सिम वाले स्ट्रक्चर का जो रैम है उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो है 7th पॉइंट जो है, इट इज ओल्डर एंड नोट इन यूज। तो सिम जो है ये ओल्डर वर्जन है कंपेयर टू डिम। डिम के कंपैरिजन में, डिम की तुलना में सिम जो है ये क्या है, ये ओल्डर वर्जन है और अब ये यूज में नहीं है, ऑब्सोलीट है ये, आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब यूज में नहीं है। तो ये सारी की सारी खासियत जो है ये सिम की है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, सिम को सिंगल लाइन इन मेमोरी बोलते हैं, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल बोलते हैं। इसके जितने भी पिन्स होते हैं कलेक्टिवली एक साथ मिलकर के काम करते हैं, और ये डेटा का ट्रांसमिशन जो है 32 बिट करता है, और जो है पावर 5 वोल्ट्स कंज्यूम करता है, और ये डिम के कंपैरिजन में स्लो होता है, और 486 सीपीयू जो है इसको सपोर्ट करता है, या अर्ली पेंटियम का जो कंप्यूटर्स है वो इसको सपोर्ट करता है, और ये ओल्डर वर्जन है और अब इसका यूज नहीं होता है। तो ये था सब कुछ सिम के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि डिम क्या है। तो यहां पे समझेंगे कि डिम क्या है। तो डिम का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डिम इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो डिम जो है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि पिंस ऑफ दिस मेमोरी मॉड्यूल वर्क इंडिपेंडेंटली। तो डिम के अंदर जितने भी पिंस होते हैं सारे पिंस जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए सारे पिंस जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, जबकि सिम के अंदर सारे पिंस जो है कलेक्टिवली वर्क करते हैं, सारे पिंस आपस में मिल करके डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब 32 बिट चैनल को डेटा के ट्रांसमिशन के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे पिंस इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। थर्ड है डिम मेमोरी मॉड्यूल सपोर्ट्स 64 बिट चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। तो डिम जो है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए 64 बिट चैनल को सपोर्ट करता है। आगे जो है 4th पॉइंट जो है वो है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कंज्यूम्स ओनली 3.3 वोल्ट्स ऑफ पावर। तो डिम जो है रैम के अंदर डिम का जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी का 3.3 वोल्ट्स ही कंज्यूम करता है। आगे जो है 5th पॉइंट जो है, एज कंपेयर टू सिम, सिम के कंपैरिजन में डिम की जो परफॉर्मेंस है ये फास्टर होती है। दैट मींस कि डिम जो है सिम के कंपैरिजन में बहुत फास्ट वर्क करता है, यानी कि ये स्लोअर नहीं होता है, ये फास्टर होता है। नेक्स्ट जो है 6th पॉइंट वो ये है कि मॉडर्न पेंटियम कंप्यूटर्स यूज दिस मेमोरी मॉड्यूल। तो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है, मॉडर्न पेंटियम कंप्यूटर्स है, वो डिम को सपोर्ट करता है,
और DDR1, 2, 3, 4 ये जितने भी है इसके अंदर जो है इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो सिम का नहीं होता, मतलब सिम से नहीं बना हुआ होता है वो, बल्कि डिम का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि डिम का मतलब कि डिम के अंदर ये जितने भी फीचर्स मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताए हैं ये सारे जो है फीचर्स जो है आज के रैम में पाए जाते हैं। तो ये था डिम के बारे में। अब देखते हैं कि इग्नू के कंप्यूटर साइंस में जो है सिम और डिम के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अगर पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाए तो अब तक जो है सिम और डिम के रिगार्डिंग केवल और केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, अदरवाइज इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके से सिम और डिम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास कंप्यूटर की जो मेमोरी है उससे संबंधित जो है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं ये कहूंगा कि एक क्वेश्चन तो जरूर होता है मेमोरी से रिगार्डिंग, तो वो है BCA फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट कोड है जिसका नाम है BCS 011। तो इस वाले सब्जेक्ट में कंप्यूटर के मेमोरी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 में पूछा गया है कि व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। तो इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में मैंने जो मेमोरी की हायरार्की बताई थी तो वो सारी हायरार्की यानी कि वो पूरा का पूरा डायग्राम बना करके एक एक कंपोनेंट को जो है एक्सप्लेन करना है। तो व्हाट इज मेमोरी हायरार्की एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायोग्राम। तो व्हाई इज मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। जब आप सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें से आंसर बन जाएगा कि व्हाई इज मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड, तो कंप्यूटर में मेमोरी हायरार्की क्यों क्रिएट होती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है, गिवन द 3 स्टोरेज डिवाइस, 3 स्टोरेज डिवाइस को एक्सप्लेन करना है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मैग्नेटिक टेप। तो इसको आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया है दिसंबर 2011 में। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरीज दैट आर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी को एक्सप्लेन करना है जो कंप्यूटर सिस्टम का क्या है, पार्ट है। व्हाई डू यू नीड सेकेंडरी मेमोरीज इन ए कंप्यूटर इवन इफ सफिशियंट प्राइमरी मेमोरी मे बी अवेलेबल। और सेकेंडरी मेमोरी की कंप्यूटर में क्यों जरूरत पड़ती है अगर पर्याप्त प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी दैट आर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका वीडियो लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको बताना है जो है मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी के बारे में। तो मेन मेमोरी में जो है आपका रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैंडम एक्सेस मेमोरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एस रैम और डी रैम। तो रैम बताना है, एस रैम बताना है, डी रैम बताना है। दूसरी जो मेमोरी है मेन मेमोरी में वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें ई रोम है, ई पी रोम है और डबल ई पी रोम है। और थर्ड जो है वो बताना है आपको कैशे मेमोरी के बारे में। तो रैम, रोम और कैशे मेमोरी को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके इसका आंसर्स तैयार कर सकते हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है दिसंबर 2012 में।
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, एक्सप्लेन देयर फीचर्स एंड गिव देयर एडवांटेज। तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2012 में। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल एंड फीचर ऑफ कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कैशे मेमोरी के वीडियो लेक्चर मैंने बना दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी जो है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस को देख करके। और सेकेंडरी मेमोरी जो है, आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये जो है 6 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन आए हैं जून 2013 में। अगला जो है, एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। तो इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में जो मेमोरी हायरार्की का जो डायग्राम है, आपको वो पूरा बनाना है और एक एक करके, मतलब इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करना है। ये 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2013 में। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्ड डिस्क, डिस्क्राइब द स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव विद द हेल्प ऑफ ए डायोग्राम। तो ये क्वेश्चन आगे हम कवर करेंगे। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया है जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी हायरार्की की क्या जरूरत है। कंपेयर मैग्नेटिक मेमोरी विद द सेमीकंडक्टर मेमोरी इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन को भी हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। बट यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है, वो रैम और रोम को बोलते हैं। तो रैम और रोम को जो है, इसके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो इसको आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके समझ सकते हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज मेन मेमोरी, डिफरेंशिएट अमंग रैम, सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। तो आपको बताना है कि मेन मेमोरी क्या है और रैम और सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब रैम और रोम। तो रैम तो ऑलरेडी इसमें नाम दिया हुआ है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी में आप रोम को रखोगे। तो रैम, रोम और कैशे मेमोरी को एक्सप्लेन करना है। तो रैम, रोम और कैशे मेमोरी के रिगार्डिंग जो है, मैंने वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है। तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2015 में। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मेमोरी हायरार्की यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की डायोग्रामेटिकली गिविंग द चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी एज वेल एज ट्रेवर्स द हायरार्की। तो वही कंप्यूटर में मेमोरी का पूरा आपको जो है हायरार्की बनानी है और एक एक करके एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2015 में। अगला जो है, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायोग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स एज अप्रोप्रिएट रोम। तो रोम क्या है, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2016 में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है, व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की क्या है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायोग्राम, डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करें व्हाई इस मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में मेमोरी हायरार्की क्यों क्रिएट होती है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे इसकी बात हो चुकी है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं वो बताने हैं।
एक्सप्लेन देयर फीचर्स एंड गिव देयर एडवांटेज, इनके फीचर्स बताने हैं और इसके एडवांटेज बताने हैं। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे बात हो चुकी है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2016 में। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए मेमोरी सिस्टम एंड द रोल ऑफ कैशे मेमोरी इन द मेमोरी हायरार्की। तो कैशे मेमोरी के बारे में मैंने बता दिया है, तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2017 में। अगला जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर करना है और अंतर बताना है किसमें, एस रैम वर्सेस डी रैम। तो एस रैम क्या है, ये रैम का पार्ट है, रैम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एस रैम और डी रैम। तो एस रैम और डी रैम के बारे में बताना है, तो इसके ऊपर मैंने अपना वीडियो लेक्चर तैयार किया हुआ है, तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। और जो है सिम और डिम क्या है, वो पहली बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कब पूछा गया है, ये जून 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिम वर्सेस डिम, यानी कि एक तरफ सिम के बारे में बताना है और दूसरी तरफ डिम के बारे में बताना है, जो कि मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देख करके सिम और डिम का आंसर दे सकते हैं। फिर रोम वर्सेस पी रोम, तो रोम क्या है और पी रोम क्या है, तो इसके ऊपर भी ये जो है रोम का पार्ट है, रोम जो है मतलब रोम के जो है तीन पार्ट होते हैं, ई रोम, पी रोम, ई रोम, पी रोम और डबल ई पी रोम। तो यहाँ पे बताना है आपको रोम के बारे में, और रोम का जो पहला पार्ट है पी रोम, इसके बारे में बताना है। तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके आप रोम और पी रोम के बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी डी रोम वर्सेस यूएसबी ड्राइव, ये आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है जून 2017 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम के बारे में बताना है और डायनेमिक रैम के बारे में बताना है। तो एक्चुअली ये रैम का पार्ट है, रैम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एस रैम और डी रैम। तो एस रैम को ही स्टैटिक रैम बोलते हैं और डी रैम को डायनेमिक रैम बोलते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, तो एस रैम और डी रैम के बारे में अलग अलग एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2018 में। तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगला जो है एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप जो है मेमोरी के हायरार्की की क्यों जरूरत पड़ती है वो एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सी डी रोम एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और जो है सी डी रोम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का ये पार्ट है, तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2018 में। अगला जो है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सी डी एज सेकेंडरी स्टोरेज। तो सी डी के रिगार्डिंग फिर से एक क्वेश्चन आया है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में आया है, तो आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगला जो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर, एक्सप्लेन प्राइमरी टास्क इट नीड्स टू परफॉर्म। तो जब मेरे सारे वीडियोस को आप देख लेंगे मेमोरी के ऊपर, तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जून 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो है
कंप्यूटर की मेमोरी के रिगार्डिंग इतने सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, बट मेमोरी के ऊपर एक क्वेश्चन जो है इग्नू के BCA फर्स्ट सेमेस्टर BCS01 वाले सब्जेक्ट्स कोड में, मतलब BCS01 कोड वाले सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन मेमोरी के ऊपर जरूर पूछा जाता है। तो ये था आपका जो है मेमोरी के रिगार्डिंग, और इस वीडियो लेक्चर में हमने सिम और डिम को समझा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है सेकेंडरी मेमोरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ तक मैंने जो है प्राइमरी मेमोरी में जो आपका रैम है और आपका रोम है, कैशे मेमोरी है, सिम है, डिम है, ये सारा मैंने कवर कर दिया है। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम एक-एक करके समझेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।